स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। आपको मैं घी खाने का तरीका बताता हूँ। कभी भूल कर भी देसी घी को दोबारा गर्म मत करना, ठीक है, नहीं करना, क्योंकि घी पहले ही उठा कर गर्म किया गया है। जयपुर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, स्टील के बर्तन में अगर कुकिंग होगी तो कैंसर के चांस हैं, टिफिन में अगर भोजन 2.5 घंटे से ज़्यादा है तो उसको खाने से दूषित हैं, कैंसर के चांस हैं, अल्सर के चांस हैं। घी को बार बार गर्म करेंगे तो उससे भी कैंसर के चांस है, वो पॉइजन बनेगा। कोई घी खाने का तरीका बता सकता है? बुजुर्ग खाते थे घी, दाल में डालकर खाते, फुलका नीचे उतार कर तब लगा के खाना, कोमल कर, तवे पर नहीं रहना, दोबारा वो जलेगा, वो हानिकारक हो जाएगा। और घी को कभी भी लस्सी मत रहने देना, लस्सी रहने दी लस्सी अंदर सड़ेगी, जब लस्सी सड़ जाएगी पॉइजन बनेगी, वो घी जितना फायदा करेगा उससे कहीं ज़्यादा लस्सी नुकसान कर देगी। और ख़राब चीज़ जो दूषित हो गई कभी नहीं खाना, वो क्या रह जाना। इवन आप एक संतरा खाते हो थोड़ा पुलपिला होगा आप खा ले तो मत खाना, वो दूषित हो गया। सेब में अगर कहीं दाग लगाए आप काट के खा जाते हो मत खाना, उसको अंदर तक बीमारी पहुंच चुकी है, ये मैं गवाही दे रहा हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मोरे हृदय प्रभु अस विश्वासा, मेरे दिल में ऐसा विश्वास है प्रभु से अधिक प्रभु के दासा, परमात्मा से कहीं ज्यादा शक्ति संतों में है। वो ये बोल रहे हैं, राम सिंधु घन सज्जन वीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। परमात्मा तो एक समुद्र है, समुद्र का पानी अध्रुव है, ध्रुव जल नहीं कहलाता है, अनुपयोगी है, पियोगे लीवर फट जाएगा, नहाओगे तो पूरे शरीर में खुजली हो जाएगी, कपड़े भी नहीं धो सकते हो, किसी भी काम का नहीं है, अनुपयोगी, जहाँ तक भी लहर आएगी जमीन को रेत बना देगा, ऊसर बना देगा, ठीक है, जमीन को ऊसर बना देगा, जहाँ तक भी लहर पहुँचेगी, ज्वार भाटा की या बड़वा नल की जहाँ तक भी लहर जाएगी वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो नमकीन पानी है, वो ऊसर बना देगा जमीन को, इसलिए चारों तरफ समुद्र के रेत दिखती है। इसलिए समुद्र का पानी न सिंचाई के योग्य, न पीने के योग्य, न नहाने के योग्य, न कपड़े धोने के योग्य, किसी भी योग्य नहीं है। लेकिन उसी समुद्र से बड़वानल की प्रक्रिया से जो मेघ निकलते हैं वो वहीं से निकले बादल, वो वृष्टि करते मीठा जल है। इस तरह परमात्मा उपयोगी नहीं है, पर संत उस राम सिंधु घन सज्जन वीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, जो परमात्मा समुद्र रूप है और संत बादल हैं, वो उसी से जो जल लाते हैं वो उपयोगी है और हमें आकर के लाभ देते हैं। इस तरह संत ईश्वरीय शक्ति को वाहन करते हैं, ईश्वर अपनी शक्ति से किसी का कुछ नहीं कर पा रहा है, अडोल है, अबोल है, उसकी सत्ता को वो ले आते हैं। आगे कह रहे हैं, चंदन तरु हरि संत समीरा, परमात्मा चंदन के पेड़ की तरह, तरु पेड़ को कहते हैं, संत समीरा, संत समीर हवा को कहते हैं, हवा चंदन के पेड़ की खुशबू, चंदन अपनी खुशबू लोक लोकांतर तक पहुंचा नहीं सकता है, लेकिन हवा उसकी महक अपने में समेट कर ले आती है। इस तरह परमात्मा अपना यश अपना ज्ञान सर्वत्र नहीं फैला सकता है, इसलिए संत जन उसका वहन करते हैं। एक पूर्ण सदगुरु वो ताकत अपने कंसंट्रेशन में लाता है, उसके कंसंट्रेशन में है आप में छोड़ता है, तब क्या होगा, आपको अंदर से चेतन कर देगी वो ताकत, फिर क्या होगा, तुम्हें पूरे हृदय का हाल समझ में आएगा, तुम्हारे अंदर अध्यात्म शक्तियां जागरूक हो जाएगी। जब अध्यात्म शक्तियां जागरूक होगी तो क्या होगा,
आप कैसे पार होंगे? अंधकार में चलने वाले का हर कदम कब उसे पता चलता है? ठोकर लगने के बाद पता चलता है, ओ गलत, ये तो ये आया। लेकिन जो रोशनी में चल रहा है उसे पहले ही दिख रहा है, आप हैं वही, लेकिन अब पहले दिख रही ये सब चीज़ें, यह है हृदय प्रकाशित कर दिया। वहाँ चांद सूरज तारे प्रकाशित नहीं कर सकते, गुरु हृदय प्रकाशित करेगा। इसलिए तो कहा बिना गुरु ज्ञान न उपजे कोटन करे उपाय, हृदय प्रकाशित कर दिया ये काम गुरु करेगा। गुरु सिर्फ ये गु कहिए अंधकार को, रूसे भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है तास। इसलिए गुरु हृदय प्रकाशित कर देगा। जब हृदय प्रकाशित होगा पूरा माया का खेल समझ में आएगा, संसार की असारता समझ में आएगी, छल कपट समझ में आएगा और मन के दाव समझ में आएंगे। इस संसार की आत्मा है अज्ञान, तब अज्ञान नहीं रहेगा, ये अंदर रोशन हो जाएगा। वहाँ बल्ब न, वहाँ कोटिन चंदा उगई, सूरज चढ़े हजार, बिन सदगुरु नहीं चानना हृदय घोर अंधार, वो नाम की रोशनी आपके हृदय को प्रकाशित कर देगी। ठीक है, इसी नाम को इस्लाम में हक नाम कहते हैं, पाक नाम कहते हैं। अर्थात भैया थोड़ा बात समझने की, यही बात साहब कह रहे हैं, इसको संतों ने सच्चे नाम के रूप से कह दिया। ठीक है, इसकी संज्ञा क्या दी? सच्चा नाम, आदि नाम, निज नाम, मूल नाम, आदि का सात दीप प्रति। अब इससे क्या हुआ? पूरा मन का खेला, जो मन बड़े बड़े धुरंधरों को नचा रहा था, आपको समझ में आ रहा है? देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जो एक बात बोल रहा हूँ, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, मैं इतना बड़ा झूठा थोड़ी हूँ, सही में नहीं है। कोई किसी का अंतःकरण नहीं बदल सकता, मैं तो तुम्हें बदल दूंगा। काग पलट हंसा कर देना, मैं बार बार गवाही के तौर पर कहता हूँ, जिनको लगता है नाम के बाद हम बदल गए, हाथ खड़ा करो, ये मेरी गवाही है। हर कदम पर वो पावर आपको समझाता चलेगा, यही है सजीव, नहीं कर, आपको पूरी वाइब्रेशन से रेज आएगी। इसके साथ साथ क्या होगा, जहाँ तुम संकट में फंस जाओगे वो ताकत तुम्हें एक्स्ट्रा आकर के पावर देकर सजग करके तुम्हें सावधान कर देगी, तुम्हें होश में कर देगी। और ये बात तुम्हें जिंदगी में कई बार, कई ओकेजन पर, कई मौक़ों पर पता चला होगा, एक ताकत मेरा साथ दे रही है, पक्का दे रही है, मैं वो चीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ दे रहा हूँ मैं। आपकी आत्मा इतनी संतुष्ट है, आप जानते हैं कि हमें बस मंजिल मिल चुकी है, आप इसलिए संतुष्ट हैं। हो सकता है आप गरीब हैं, आपके पास धन का अभाव हो सकता है, लेकिन तो भी अंदर से माला माल हो। ठीक है, आपको तो पता चल रहा है सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये अंदर से आपको पता है कि जहाँ समस्या में आऊँगा एक शक्ति मेरी मदद करेगी, आप निश्चिंत हैं। गोधन गजधन गाजधन सभय रत्न धन खान, जब आए संतोष धन तो सभय धूर समान। आप अंदर से मजबूत हैं बहुत। रुको, दूसरी बात मैं एक बोलता हूँ, मैंने आपको जो चीज़ दी, हो सकता है आपका ब्रेन असंतुष्ट हो, आपका मन असंतुष्ट हो, देखो यहाँ कंट्राडिक्शन नहीं आ रही मेरी बात में, समझना, हो सकता है आपका मन अतृप्त हो, क्योंकि मैंने जो चीज़ आपको दी मन को बाईपास करके दी है, मन के द्वारा नहीं दी, थ्रो मन के नहीं दी, मन नहीं समझा है मैंने क्या दिया है, मैंने जो आपको दिया है वो मन नहीं समझ पाया है, क्योंकि मन द्वारा देता तो मन भुला देता, इसलिए मन को बाईपास करके मैंने डायरेक्ट आपकी आत्मा से टच किया है। ठीक है, इसलिए आत्मदेव को ये हिला नहीं पा रहा है, लाखों समस्याएं भी आपके पास आ रही है, लेकिन अंदर से मजबूत हो, वो चीज़ दी। इसलिए कहा सतगुरु में वो सखीरी, मैं तो नाम रत्न धन पायो, चोर नहीं चोरा सकता है, मेरा भाई कह रही है, खर्चे नहीं खुटे हैं, कितना भी यूज़ करूँ कम नहीं होगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी आदमी कोई नई चीज़ ग्रहण करता है तो धीरे धीरे उसका जलवा कम हो जाता है, कपड़ा भी टाप है ना, तो धीरे 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 उसका रंग फेड होता जाएगा। आपको मोबाइल से बड़ा शौक है ना, धीरे धीरे उसकी लगन आपके अंदर कम होती जाएगी। अगर आपको मान लीजिए किसी चीज़ का शौक है, मोटरसाइकिल का, लोगे पहले तो घुमाते रहोगे, धीरे धीरे उसकी रवारत कम होती जाएगी, लेकिन जो मैं चीज़ दिया हूँ इसकी रवारत दिन भर दिन बढ़ती जाएगी, दिन भर दिन दिन बड़े सवायो, आपका जलवा कम नहीं होने वाला है, हर आने वाले दिन में नए एक्सपीरियंस आपको मिलते जाएंगे। आपके अंदर से अब एक किताब स्टार्ट कर रखी है, वो आपको पूरा पूरा संदेश दे रहे हैं,
जहाँ गलत होता है आपके पास फौरन वाइब्रेशंस आती है, ये गलत है तुमने नहीं करना है, ये उचित है। जहाँ कहीं आप संकट में आ जाते हैं वो ताकत फौरन तुम्हारे सामने घूम कर आकर किसी न किसी तरीके से, उसको कौन समझ रहा है? आपकी आत्मा, मन नहीं समझ रहा है, इसलिए मन अभी भी मूर्ख है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नाम लेने के बाद आपकी छल कपट कम हुई कि नहीं, खत्म हुई कि नहीं, दोष खत्म हुए कि नहीं, वायलेंस खत्म हुआ कि नहीं, आप चाहकर भी अपराध नहीं कर पा रहे हैं। तो परम पुरुष ने निरंजन को कहा, तुझे नाम नहीं दूंगा, तूने मुझसे वरदान मांगा है 17 चौकड़ी असंख्य युग का, जैसे नाम दूंगा तू निर्मल हो जाएगा, जैसे निर्मल हो जाएगा सब आत्माएं निकल जाएगी, तूने कपट से ही तो इनको रोक रखा है, इसलिए भैया तू नाम मत ले, तू अपना काम करता चल, अपना राज्य सुख भोग, जो मेरे जिज्ञासु हो गए उन्हें मैं निकालता चलूंगा। इसलिए साहब कह रहे हैं, नाम होए तो मात न भाई, उसका जोर उस दिन से चलना। आज सेठ जी मेरे पास आए, मैंने पूछा सेठ जी कैसे हो, बोला आनंद है। सेठ जी ऐसा ही है ना, कैसा आनंद, यह है आत्मानंद, अंदर से खुशियाँ, लग खुशियाँ पतशाइयाँ, जो सदगुरु नजर करे वो सब अंदर से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहा कहूँ कुछ कह भी नहीं, वो वाणी में नहीं आने वाला है आनंद, आप एक आनंद की जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपके इर्द गिर्द समस्याएं हो सकती है, माया हो सकती है, आप उसी में रह रहे हैं, निरंजन हो सकता है, अंदर से बहुत संतुष्ट हो। मुझे एक आदमी ने बोला, बोला मैं 20 गुरु कर चुका हूं, मैं कहीं संतुष्ट नहीं हुआ, आपसे नाम लेने के बाद मेरा मन खटपट भी कर रहा है लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। एवर टाइम आपको वो सुरक्षित कर रही है। भाई देखो, आर्मी में भी कहते हैं ना, यार तू फौज में आ जा, तेरे बाल बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हारी बीवी का भी अलाउंस दे देंगे, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी अलाउंस देंगे, तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे, तुम्हें अगर मकान कहीं कॉलोनी बन रहे हैं उसमें 5% तुम्हारा कोटा है वो भी कंस्ट्रक्शन से दिलाएंगे। मैंने खुद फौज से कंस्ट्रक्शन से मकान लिया 25,000 का, अभी 50 लाख का है, 25,000 में लिया 50 लाख का, डिफेंस कोटा से लिया। भाई तुम बीमार हो जाओगे तुम्हारी दवा भी करेंगे, भाई तुम रिटायर हो जाओगे तो तुम्हारे को हम पेंशन भी देंगे, ता उम्र तुम्हें अगर कोई बीमारी हुई तो उसका इलाज भी करेंगे, तुम अगर मर भी गए तो तुम्हारी बीबी को ताउम्र हम पेंशन देते रहेंगे, तुम आ जाओ हमें ज्वाइन करो। अच्छा ठीक है, वो देते हैं, अगर गड़बड़ किया तो जेल में ठोक देंगे, ठीक है ना, इतनी फैसिलिटी देने के बाद गड़बड़ किया तो जेल में ठोक देंगे, सजा दे देंगे। इस तरह हम भी कह रहे हैं भाई तुम्हारे दुख कट जाएंगे, तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे, तुम्हारी समस्याओं का निदान कर देंगे, अहलोक एक परालोक सब आनंद मिलेगा तुम्हें, हमेशा तुम्हारे साथ ताकत होगी। सावधान, लेकिन नाम पीयू का छाड़ के कर्याण का जाप, बाकी तरफ फिर नहीं उलझना, आपको सब कुछ मिलेगा, अहलौकिक सुख परालौकिक सुख, अध्यात्म शक्तियां भी मिलेगी और संसार में भी दुख भी नहीं, भूत प्रेत आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, टोना टोटका आपको कुछ नहीं कर पाएगा, जादू झड़ी आपको नहीं लग पाएगी और चंडालियत आपके पास नहीं आएगी। लेकिन एक बात सुनना, साहब को पकड़े रहना, वहां यह है कि आर्मी रूल का पालन करना, सभी फैसिलिटी तुम्हारी है, प्रमोशन भी देंगे। इसी तरह साहब कह रहे हैं, कबीर का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो अमृत पावई, गिरे तो चखना चूर, अगर गलत किया तो पनिशमेंट भी दे। इस तरह द्वारे धनी के पढ़ रहो, धक्का धनी का खाए, धनी गरीब नवाज हैं, जो दर छाड़ न जाए कबीरा, जो दर छाड़ न जाए। आपके साथ वो शक्तियाँ काम कर रही हैं, वो करेगी, इसके बिना तुम नहीं पार हो सकोगे। परम पुरुष को ये पता है कि जब तक ये शक्ति नहीं मिलेगी निरंजन नहीं टिकने देगा, ये भटका देगा, इसलिए आपके साथ वो ताकत दे रखी है, आपके साथ ये ताकतें पूरा पूरा काम करेंगे। अद्भुत नाम सदा रखो वाला, वो शक्तियां मिलेगी पूरी पूरी, आप हिम्मत नहीं हारना। लेकिन अगर तुम सोचो मौजा ही मौजा मिले तो भैया फिर कोई माई का बच्चा दुनिया छोड़ना ही नहीं चाहेगा, फिर तो कहेंगे ये जग मिठा अगला कहें डिठा, खूब खाओ पियो मौज करो। जब थोड़ी ठोकर लगती है ना तब कहते हो आहा ये प्रभु छोड़ो ये दुनिया,
आपको बैलेंस रखेगा। साहब क्या सर, भाई बच्चा है, अमरूद खाए जा रहा है, माँ जानती है ये अमरूद इसके पेट में गड़बड़ करेगा, छीन लेती है, बच्चा रोता है। केला खाता जाता है, उसको पता नहीं है कि डाइजेशन बिगाड़ेगा, माँ हाथ से छीन लेती है। इस तरह जब ज़्यादा सुख चाहते साहब सुख भी छीन लेता है। बस सोही कीजिए कृपा निधाना, जासे होए परम कल्याणा। जिस तरह से तुम बसर करा रहे हो यही ठीक है। न सुखहाल में मजा है न दुखहाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे बस उस हाल में मजा है, तेरा भाणा मीठा लगे। आपकी लाइफ अभी एक नज़रदानी में है, आप निगाहबानी में, वो आपकी लाइफ को चलाता चल रहा है, जहाँ आपको ज़रूरत है कैसा वो करता जा रहा है। बच्चा अगर छोटा सा माँ से कहता है चाकू उठा कर खेलना चाहता है, माँ जानती है इसको नहीं खेलने देना है, अंगारा पकड़ने की कोशिश करता है, माँ हाथ रोकती है। जब ज़्यादा मन और माया में उलझोगे साहब हाथ रोकते हैं वहाँ, ठीक है। मैं बताऊं, मैं गरीबों को बड़ा समेटता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी गरीबी दे, अमीरों को भगा नहीं रहा हूं, उनको भी कहता हूं वेलकम, ठीक है। गरीब पहले ही दुखी है, ठीक है, वो तो आधी दुनिया छोड़े हुए है, वो तो सोचते हैं हमारे दुखी दुख है इसमें। जिसके पास खूब धन है, मौज मस्ती है, आयश है, एयर कंडीशन फलाना ढिकाना, वो थोड़ी जाना चाहते हैं दुनिया से, वो कहते हैं और भी जीना है। गरीब कहता है ले चल, वो पहले ही रेडी है, वो तो पहले ही रेडी है, इसलिए वो भक्ति पकड़ लेगा। अमीर आने में खटपटी करेगा। परमात्मा तक जाने के लिए आपको एक ही डर ज्यादा सता रहा है, मृत्यु का। मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हमें आसक्ति है ना जगत के पदार्थों में, वो भय दे रहे हैं। इसलिए साहब यहां कह रहे हैं वही शान शाह हैं जिसको ना ही चाह, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, वही शान शाह हैं जाको ना ही चाह। ये सूरत बहुत जबरदस्त चीज है, तुम जो भी इच्छा करोगे वो भी हो जाएगी, जो चाहोगे वो भी हो जाएगा, जो कांक्षा करोगे वो भी मिलता जाएगा, लेकिन अधिक न चाहना। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतित न भूखा जाए। बस कैसा बसर करना संसार में साहब, कृपा रखना, बस तुम्हारा स्मरण चलता रहे, तुम्हारा ध्यान चलता जाए, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। दाता इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतित न भूखा जाए। साहब लेवल पर रखेगा आपको, ठीक है। जब आपको कोई जरिया नहीं मिलेगा साधन ला के फेंकेगा, यार थोड़े बहुत दुख संकट जो मिलते हैं कमी आपकी तरफ से होती है, साहब की तरफ से कमी नहीं है, ठीक है। ये फॉल्ट आपकी तरफ से होता है, साहेब की दरबार में कमी काहू की ना है। बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माह, अरे अंदर सफा और बाहर सफा तब साहेब काहे खफा। इस तरह वो ताकत अपना काम करती जा रही है, आपको संकेत देती जा रही है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अगर इंजन में थोड़ी खड़खड़ हुई इंजन बताती है गड़बड़े हैं, वहीं गाड़ी स्टॉप कर लो। इस तरह आपको भीतर से पूरे संदेश मिलते जाएंगे, उचित अनुचित पाप पुण्य कृत आकृत, आपको पूरे संदेश मिलेंगे और इसका आभास आपको मिलेगा। पर वो ताकत इंद्रियों से नहीं पता चलेगी, ब्रेन नहीं पकड़ेगा, अंदर से पता चलेगा एक ताकत मेरे साथ है। वही नाम पाए सत्यजबीरा संग रहूं मैं दास कबीरा, बहुत बारीकी से आपके साथ वो है। वो बारीक नहीं है, वो है ही। साहब ने कह दिया ना वहां पर बात से पातला, फूल की खुशबू से भी झीना है वो, वायु से अति झीन, हवा से भी बारीक है, पानी से उतावला, पानी से भी पतला। दोस्त कबीरा कीन, मेरा यार ऐसा है कि फूल से भी कोमल और उसकी महक से भी झीना है, वायु से भी झीना है, बहुत बारीक है वो है। इसने कह दिया वेल कंसंट्रेशन। नाम पाए सत्य जब बीरा संग रहूं मैं दास कबीरा। आप पहले भी चल रहे थे पर आपका कदम अंधकार में था, अंधकार में भी आदमी चलता है, ठोकर लगने के बाद पता चलता था ओहो ये तो कुछ आ गया। अब आप रोशनी में चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है। चल तब भी रहे थे, चल अभी भी रहे हैं, आप वही थे लेकिन अब मन का जोड़ नहीं चल रहा है। पहले जिस भी काम में चाहता था मन घसीट के ले जाता था पागलों की तरह, हर कार्य करने के बाद चिंतन करते थे ठीक नहीं हुआ, अब तो पहले ही सोच रहे हो यार, विचार करने की ताकत आ गई। ये सब रूहानी ताकतें हैं, ये शक्तियाँ मिल जाती है, ये हैं पुरुष शक्तियाँ।